आज अमेठी में ये दोनों भाई बहन धरने पर बैठे हैं। इनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है कि जिसके बारे में सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। इंसाफ की आस में सोफिया और उनकी मां ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसमें गुड़िया की मां सोफिया की मौत हो गई। लेकिन जिस इंसाफ के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो इंसाफ आज तारीख तक उन्हें नहीं मिला है। जब से विधानसभा घटना हुआ है, उसके बाद 22 तारीख के सर लखनऊ से लेकर जब हम लोग आए हैं, तब से लेकर आज तक हमारे ऊपर फोर्स लगा दिया है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। और उसको जब नाली का मैटर बता करके उसको दाग दिया गया है, बल्कि इसके ऊपर कुछ बड़े लोगों का हाथ है, नेताओं का हाथ है सर। वो लोग हमारे लगातार हमको हत्या करवाने की कोशिश करवा रहे हैं कि जिंदा जला देंगे, मार देंगे सर। इस तरह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और जैसे ही कहीं बोलते हैं फोर्स लगा देंगे। ये मामला अमेठी से लेकर लखनऊ तक उलझा हुआ है। दरअसल जामो थाना इलाके में रहने वाली सोफिया के परिवार का पड़ोस में ही रहने वाले दबंगों से नाली को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इस कदर बढ़ गया कि सोफिया के पूरे परिवार को ही गांव छोड़ना पड़ा। फिर 17 जुलाई को सोफिया और उनकी बेटी लखनऊ के विधानसभा पहुंची। वो सीएम योगी से मिलना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें मिलने नहीं दिया, जिससे परेशान होकर सोफिया और गुड़िया ने विधानसभा के सामने खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही दोनों महिलाओं को झुलसी हुई हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अगले ही दिन गुड़िया की मां सोफिया ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गई और सोफिया के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे दी। बावजूद इसके आज तारीख तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला है। आज भी सर हम बिना पुलिस वाले के परमिशन से कमरे से बाहर नहीं निकल सकते और नाम सुरक्षा का देते हैं, और सर कहते हैं कि मीडिया के सामने जाओगे तो धमकियां मिलती है, जेल भेज दिया जाएगा, लिखा पढ़ी करवा दिया, इस तरह से हमें धमकी मिल रही है। क्या चाहती हो? सर हम जिला प्रशासन से मिल चुके हैं, हम न्याय चाहते हैं और सर हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर हमारे अंदर आप सोच सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल के अंदर फोर्स के बीच में हत्या करवाने की कोशिश की जा सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े आदमी के इसमें हाथ होगा। मौत के मुंह से निकली गुड़िया पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। उठते बैठते जागते सोते अमेठी पुलिस उसकी रखवाली करती है, वो कहीं भी आ जा नहीं सकती और लगातार अपने साथ हुए अन्याय की लड़ाई लड़ रही है। ये हालात पिछले करीब 4 महीने से जस के तस बने हुए हैं। इन दोनों ने स्मृति ईरानी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद गुड़िया और उनका भाई इस्लाम कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 5 महीना हो गया इस मामले को, 5 महीने से मामला भी वैसे वैसे रुका हुआ है। उस मैटर में कोई एक्शनबाजी कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं है। हमारे इस मैटर में विधानसभा वाले मैटर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, अभी वैसे वैसे रुका हुआ है। हम इसको अनिश्चित काल तक बैठेंगे यहाँ पे, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता मिला हमको, जब तक अधिकारी मतलब अधिकारी यहाँ तक आएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हम हटेंगे नहीं यहाँ। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन खुद ही आरोपियों को बचाने में जुटा हुआ है, इसी वजह से आज तारीख तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में 2 लोगों ने आत्मदाह किया, जिसमें से 1 की मौत भी हो गई है, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। अब भला आप ही सोचिए कि इंसान इंसाफ के लिए क्या करे। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक के साथ पवन मौर्य की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।